और यार गाइज आज अभी जो अपन वीडियो बना रहे हैं ना, इसे आप है कल देखना गाइज, मेरे कल के ब्लॉग में देखना गाइज। अभी बज गए हैं 3:14। और यार गाइज देखो, मार्केट ने कर दिया है 18,000 को ब्रेकआउट। और यार अभी है मार्केट 18,064 रुपये में है। और गाइज अपन ने सुबह जिस स्ट्राइक प्राइस को ख़रीदा था उसे देखते हैं। तो गाइज अभी अपन आ गए हैं ऑप्शन चेन में। तो गाइज सुबह अपन ने 17,900 की कॉल को 109 रुपये में बाई किया था। और गाइज देखो अभी उसकी वैल्यू कितनी है, 189.88 रुपये। और चलिए गाइज अपन चलते हैं यहाँ पे मार्केट में। गाइज अपन ने 4 लॉट बाय किया था 21,500 रुपये में, और जिसकी कीमत अभी है 38,300 रुपये। ये देखो गाइज, तो गाइज अभी अपन आ गए हैं कैलकुलेटर में, और अपन यहाँ पे करते हैं 38,300 माइनस 21,500 गाइस, 16,800 रुपये का प्रॉफिट। तो यार गाइस अभी फाइनली बज गए 3:15 और मार्केट हो गया है क्लोजिंग के टाइम में। और यार गाइस आपने अभी देखा कि यार अपने को कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो यार गाइस आप मेरे को बताओ कि यार सुबह अपन ने जो कैलकुलेशन किया था, क्या वो गलत था, क्या अपना सेटअप गलत था? यार शुरुआत में अपने को लॉस हो गया, 2,225 का लॉस हो गया, वो मैं मानकर चलता हूँ कि यार वो हो गया। लेकिन ना गाइस वो अपने सेटअप में बिल्कुल भी नहीं बैठता था। यार गाइस अपना पूरा सेटअप यही बोल रहा था कि यार आज मार्केट जाएगा तो ऊपर ही 18,000 को ब्रेकआउट लेगा, और कम से कम मार्केट 18,020 या 25 या 30 तक तो जाएगा ही जाएगा। पर ना गाइस अपना बैड लक ये है कि यार मार्केट नीचे आया, 900 को ब्रेकआउट किया और 885 के आसपास तक आया। लेकिन ना गाइड प्लस पॉइंट ये भी था कि यार यदि वहीं से अपन ने कॉल को बाय किया होता, क्योंकि अपने पास तगड़ी कंफर्मेशन थी मार्केट ऊपर ही जाएगा, 18,000 को ब्रेकआउट लेगा ही लेगा। तो देखो गाइज अपन ने, चलो ठीक है गाइज वो मान छोड़ भी दिया, लेकिन हाँ गाइज आपको तो अच्छे से याद है कि अपन ने 17,900 की कॉल को बाय किया था 21,500 में। और यार देखो गाइज एंड ऑफ द डे सिर्फ 9:30 अपन ने किया था, और ठीक 3:15 अपन ने उसकी क्लोजिंग का वेट कर रहे थे। और यार गाइज देखो कि यार अपना सेटअप के अकॉर्डिंग बिल्कुल मार्केट बैठा है, और अपनी क्लोजिंग तक अपने को 16,000-16,500 रुपये का प्रॉफिट होता। अगर यदि गाइज अपन ने सुबह 9:30 निफ्टी के 17,900 की 4 लॉट को बाय किया था, उसे रहने देते, अपने को कुछ लॉस हुआ था 2,000 रुपये का, 2,500 का लॉस हुआ था, अब वो आगे चल कर 4,000 का भी लॉस होता। लेकिन ना गाइज अपने पास पूरी तगड़ी कैलकुलेशन थी कि यार अपने को एंड ऑफ द डे होगा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो यार गाइज देखो 4,000 का लॉस होता वो अपन ने मान लिया, लेकिन ना गाइज जब प्रॉफिट हुआ तो 16,000 का प्रॉफिट हुआ गाइज। यदि वो 4,000 का अपन लॉस को छोड़ भी दें तब भी 16,000 का गाइज प्रॉफिट। तो यार गाइज आप मेरे को बताओ कि यार अपना सेटअप कहाँ से गलत था? यार गाइज मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मार्केट नीचे आ गया वो अपना बैड लक था, लेकिन अपना कैलकुलेशन अपना सेटअप सही था। तो यार गाइज मुझे लगता है कि यार अपन को अपने सेटअप में बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाँ अपने को सीखने की ज़रूरत है, अभी भी सीखने की ज़रूरत है, पर बदलाव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यार गाइज फाइनली मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।